नमस्कार दोस्तों, पंचतंत्र की एक बहुत ही सुंदर कहानी है जिसमें चार मित्र थे और वे चार मित्र विद्या प्राप्त करने के उद्देश्य से एक गुरु के आश्रम में गए। उन्होंने अपने गुरु की खूब सेवा की और गुरु की सेवा से जब गुरु प्रसन्न हो गए तो उन्होंने अपने विद्यार्थियों को अलग अलग प्रकार की विद्याएं सिखाई। तो जो तीन विद्यार्थी थे वो पढ़ने लिखने में बहुत मेधावी थे और उन्होंने गुरु से श्रेष्ठ प्रकार की विद्याएं प्राप्त की। लेकिन जो चौथा बालक था वह पढ़ाई में कमजोर था, उसने गुरु से कोई विद्या नहीं प्राप्त कर पाई। समय के साथ साथ उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई और जब उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई तो वे आश्रम छोड़कर अपने घर को प्रस्थान किए। लेकिन मार्ग में एक घनघोर जंगल पड़ता था। उस घनघोर जंगल को पार करते समय इन चारों विद्यार्थियों को एक हड्डियों का ढेर मिला। तो जो पहला विद्यार्थी था वह अहंकार के साथ बोलता है कि गुरु ने मुझे जो विद्या दी है मैं उस विद्या के प्रयोग से इस हड्डियों के ढांचे को सही क्रम में व्यवस्थित कर सकता हूँ। तो दूसरे ने कहा कि यदि तुम इसको व्यवस्थित कर दोगे तो इसमें मैं जो भी मांस और जो भी खून वगैरह चाहिए वो मैं सारी चीज़ें इस पे ला सकता हूँ। जो तीसरा विद्यार्थी था उसने कहा कि यदि तुमने इसको पूरा एक विधिवत शरीर के रूप में बदल दिया तो मैं इसको इसमें प्राण डाल सकता हूँ। तो उनकी यह बात सुनकर चौथे ने कहा कि ऐसा मत करो, देखने से प्रतीत होता है कि यह एक शेर की हड्डियां हैं, आप इसे जिंदा मत करो। लेकिन जो पहले तीन विद्यार्थी थे उनको अपनी विद्या का अहंकार था, उन्होंने कहा कि हम ऐसा ही करेंगे। तो चौथे ने कहा कि आप ऐसा करो, मैं पहले आपको कहता हूं कि आप ऐसा मत करो, लेकिन आप यदि बात नहीं मान रहे हो तो पहले मुझे पेड़ में चढ़ लेने दो। तो चौथा विद्यार्थी करो, लेकिन आप यदि बात नहीं मान रहे हो तो पहले मुझे पेड़ में चढ़ लेने दो। तो चौथा विद्यार्थी पेड़ पर चढ़ गया और तीनों ने अपनी विद्याओं का प्रयोग करके उस शेर की हड्डियों को जीवित शेर में बदल दिया। और जैसे ही शेर जीवित होता है वह उन तीन विद्यार्थियों को खा जाता है। इस पंचतंत्र की कहानी से हमको शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अंधा होकर अपनी विद्या का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विद्या होने के साथ साथ सूझबूझ का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हमारे पास सूझबूझ होगी तभी हम अपनी विद्या का सही प्रयोग कर पाएंगे, नहीं तो उसी विद्या का प्रयोग हम तरह तरह की दवाइयों बनाने में कर सकते हैं या इस दुनिया को खत्म करने के लिए मिसाइल बनाने में कर सकते हैं। इसलिए विद्वान होना बड़ी बात नहीं है, अपितु सूझबूझ से भरा हुआ इंसान होना आवश्यक है, बुद्धिमान होना आवश्यक है, ज्ञानी होना आवश्यक है, समझदार होना आवश्यक है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको फिर से योग साधना शिविर में आमंत्रित करता हूँ। एक दिन की हमारी योग साधना शिविर में आप अवश्य आइए, जो चांदनी रात में आयोजित होती है। दिव्य वातावरण में योग ध्यान का प्रशिक्षण लीजिए, इससे आपके जीवन में निश्चय ही सुधार होगा और आपके जीवन में आनंद की वर्षा होगी। योगाचार्य आनंद को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।